वहां पर बाईपास पर आपको इस वक्त क्या दिख रहा है अनुभव? देखिए यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है कि राजनाथ सिंह का काफिला किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि अब आप देखिए ट्रैफिक को भी ठीक कराया जा रहा है, क्योंकि मैसेज आया है कि अब थोड़ी देर में राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचने वाले हैं रक्षा मंत्री, इसीलिए जो अन्य गाड़ियाँ हैं उनको दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। और ये जहाँ पर हम मौजूद हैं ये बाईपास चौराहा है, केवल ये VVIP एंट्री के लिए रखा गया है, यानी जो डिफेंस मिनिस्टर आएंगे, यूपी के डिप्टी CM, कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे राज्यों के, दूसरे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर कुछ सांसद हैं, उनके लिए ये रास्ता है और इसी रास्ते से वो सभी लोग जाएंगे। इसीलिए आप देखिए कितना पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं, बैरिकेटिंग भी पूरे रास्ते पर की गई है। और ये बैरिकेटिंग तभी खोली जा रही है जब कोई VIP जाने के लिए यहाँ पहुँच रहा है या फिर उधर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वापस, जो VIP जा रहे हैं उनके लिए ये गाड़ियाँ जब आ रही हैं तब ये इस बैरिकेटिंग को हटाया जा रहा है। बाकी सारी गाड़ियों को देखिए आप, समाजवादी पार्टी के लोग हों, BJP के लोग हों, उनको कहा जा रहा है कि आप दूसरे रास्ते से आइए, एक दूसरा जो वैकल्पिक रास्ता दिया गया है उस तरफ से सभी को आने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि इस सड़क से भी तमाम सारे कार्यकर्ता जो हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो अलग अलग ज़िलों से भी लोग आ रहे हैं, वो गाड़ियाँ कहीं इधर पार्क कर दे रहे हैं, कहीं इस तरफ गाड़ी पार्क कर दे रहे हैं और यहाँ से पैदल जा रहे हैं। 3 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से वो दूरी है और हम भी यहाँ पर पहुँचे तो हमारी भी गाड़ी रोक दी गई थी, फिर हम यहाँ पैदल पहुँचे और यहाँ से अपने दर्शकों को सारी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव नेताजी के अंतिम सफ़र पर शामिल होने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, कहीं कोई मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, वो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, वो सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम प्रणाम करने के लिए सैफई के उस मेला ग्राउंड में पहुँच रहे हैं जहाँ इस वक्त नेताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। थोड़ी देर पहले आपने तस्वीर दिखाई, जो रिचुअल्स होते हैं अंतिम संस्कार से पहले, अखिलेश यादव उसमें शामिल हुए, जब मुलायम सिंह यादव की कोठी पर भी पार्थिव शरीर रखा हुआ था तो वहाँ पर भी जब हम कहें कि पार्थिव शरीर निकल रहा था यहाँ मेला ग्राउंड के लिए, तब भी वहाँ पर कुछ पुरोहितों ने कुछ कार्य वो कराए, रिचुअल्स थे, उसमें भी अखिलेश यादव शामिल हुए। तो अब इंतज़ार है क्योंकि 3 बजे का वक्त है दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए, जो मेला ग्राउंड के बिल्कुल तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर है जहाँ पर यह अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कार्यकर्ता हमें बहुत सारी संख्या में अभी भी लोग जाते दिख रहे हैं, जी आप जिधर से भी देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग वापस जा रहे हो, तमाम सारे लोग गाड़ी बाहर खड़ी कर रहे हैं और यहाँ से पैदल वहीं मेला ग्राउंड तक जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि एक बार अंतिम दर्शन कर लें, वो भी नेताजी को श्रद्धांजलि दे दें। देखिए मुलायम सिंह यादव का जो कद रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं लगभग एक हफ्ते से, जब से नेताजी ICU में एडमिट हुए मेदांता में, हर कोई यही कह रहा है कि ना भूतो ना भविष्यति, यानी ऐसा नेता हुआ ना हुआ है ना आगे होगा, और बिरले ही लोग होते हैं जो राजनीति में इस मुकाम तक पहुँचते हैं। और आप देखिए पार्टी की जो पूर्व विधायक है, पूर्व MLC है, वो सब लोग भी यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। इस तरफ भी आपको तस्वीर दिखाएं तो जो लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं वो वापस इस रास्ते से लौट रहे हैं। जैसा हमने पहले ही बताया कि ये बैरिकेटिंग तभी खोली जा रही है जब उधर से कोई VIP आ रहा है या फिर इधर से लोग वापस जा रहे हैं। तो अब लगातार हमें यहाँ पर इस चौराहे पर जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी हर कोई आप देखिए किस तरीके से यहाँ कुछ और भी सरकारी गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं, कुछ फ्लीट नज़र आ रही है। तो अब धीरे धीरे जो ये सिलसिला है VVIP का वो और बढ़ने वाला है। राजेंद्र बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्हीं गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है जिनकी परमिशन है और तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है। अनुभव आपने बताया कि आप खुद पैदल चलकर वहाँ पर पहुँचे हैं बाईपास पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।